विदेश मंत्री एस जयशंकर आज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। भारतीय समय अनुसार आज शाम 6:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। पुतिन को पीएम मोदी के शांति संदेश की दुनिया में वाहवाही। मैक्सिको ने यूएन में शांति के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा और कमेटी में पीएम मोदी के शामिल होने की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज से 30 सितंबर तक नामांकन भरे जाएंगे। 17 अक्टूबर को चुनाव और 19 अक्टूबर को नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। पीएम मोदी का हिमाचल दौरा, आज दोपहर 12 बजे हिमाचल के मंडी में युवा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। हिमाचल में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। अमित शाह सीमा सुरक्षा को लेकर बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक और बीजेपी जिला कोर कमेटी के साथ भी करेंगे बैठक। सीमांचल से नीतीश पर अमित शाह का जोरदार प्रहार, बोले नीतीश ने स्वार्थ के लिए दिया सबको धोखा। 2024 में होगा जेडीयू आरजेडी का सफाया। अमित शाह पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव का जोरदार हमला, कहा गृहमंत्री अमित शाह का भाषण हास्यास्पद, डबल इंजन की सरकार पर उठाए सवाल। बीजेपी का मिशन 2024, गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी के सांसद, विधायक और पूर्व मंत्रियों के साथ बैठक की। बॉम्बे हाई कोर्ट में उद्धव गुट की बड़ी जीत, उद्धव गुट को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली की इजाजत मिली। शिंदे गुट की याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने मंजूरी न देने पर बीएमसी को फटकार लगाई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो उद्धव गुट की जिम्मेदारी। 5 अक्टूबर को होनी है दशहरा रैली। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद उद्धव ठाकरे का गुट जोश में, शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। कांग्रेस ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, नाना पटोले ने कहा कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का काम है। राजस्थान में सियासी हलचल तेज, सचिन पायलट ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से की मुलाकात। त्रिपुरा में बीजेपी को झटका, कार बुक से विधायक बर्बा मोहन ने पार्टी से इस्तीफा दिया। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या के मुकदमे में माफिया मुख्तार अंसारी और बीएसपी सांसद अफजल अंसारी के खिलाफ आरोप तय। 2005 में हुई थी कृष्णानंद राय की हत्या। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को अब गैंगस्टर केस में सजा, 23 साल पुराने मामले में 5 साल की सजा हुई। 3 दिन में मुख्तार को ये दूसरी सजा सुनाई गई है। जेलर धमकी केस में 7 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई। लखनऊ से एटीएस ने पीएफआई के सदस्य मोहम्मद अहमद बेग को गिरफ्तार किया, कोर्ट ने 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा, यूएपीए के तहत केस दर्ज। पीएफआई मामले में बड़ा खुलासा, पीएफआई के सदस्य दूसरे राज्यों से आकर मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने का कर रहे थे काम, देश विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाने का आरोप। मुंबई में सुबह से हो रही है जमाझम बारिश, निचले इलाकों में भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। 2 दिन की बारिश से गुरुग्राम बना जलग्राम, शहर के ज्यादातर हिस्सों में जलभराव, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी, गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। यूपी समेत कई राज्यों में रुक रुक कर बारिश जारी, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ में आज भी 8वीं तक के स्कूल बंद, बुलंदशहर में 12वीं तक के बच्चों की छुट्टी। यूपी के गाजियाबाद में बारिश के बाद जाम की भारी समस्या, जलभराव की वजह से 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा, आवाजाही में लोगों को हो रही है भारी दिक्कतें। यूपी के प्रयागराज में भारी बारिश के बाद हाई कोर्ट रूम में भरा पानी, कोर्ट रूम नंबर 21 में पानी भरने से कर्मचारी और वकील फाइलें समेटते देखे। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में नदियों में कटान के डर से लोगों का पलायन शुरू, बूढ़ी राप्ती नदी में बाढ़ और कटान से लोगों में दहशत, सरकार की तरफ से नहीं मिली कोई मदद। यूपी के हाथरस में बारिश के बाद पानी की तेज रफ्तार से सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद, पटरी जोड़ने में जुटे किसान, धान, रसभरी और अमरूद की फसल को पहुंचाया नुकसान। उत्तर प्रदेश के इटावा में भारी बारिश के बाद लोगों को सता रहा है मकान गिरने का डर, पुलिसकर्मियों के 181 परिवार जर्जर मकानों में रहने को मजबूर, जर्जर मकानों के गिरने से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी के अलीगढ़ में 3 दिनों की बारिश ने लोगों का किया जीना मुहाल, जल भराव और बारिश की वजह से लोग 5 दिनों से अपने घरों में कैद हैं। यूपी के अलीगढ़ में सरकारी संस्थान में भारी जल जमाव, मेयर ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भारी बारिश के बाद कामकाज ठप। यूपी के आगरा में भारी बारिश का कहर, नगला के एक प्राइमरी स्कूल में भरा पानी, स्कूल में रखे फर्नीचर समेत एमडीएम के अनाज भी पानी में बर्बाद, बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बना स्कूल परिसर। यूपी के फिरोजाबाद में 2 दिनों की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, पार्किंग में लगी 100 से ज्यादा कारें पानी में डूबी, लाखों के नुकसान का अनुमान।
यूपी के बुलंदशहर में तेज बारिश लोगों पर कहर बनकर टूटी। भारी बारिश की वजह से 6 से 7 मकानों की दीवारें क्षतिग्रस्त, 2 लोग घायल, पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा। यूपी के बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से खेत खलिहानों में भरा पानी, लाखों रुपए की लागत से उगाई फसलें बर्बाद। यूपी के शामली में भारी बारिश के बाद सड़कें बनी तालाब, कैराना की सड़कों पर 3 से 4 फुट तक भरा पानी, कुछ लोग पानी में मौज मस्ती करते देखे। यूपी के श्रावस्ती में मूसलाधार बारिश से मुसीबत, अस्पताल से लेकर थाने तक पानी में डूबे, सड़कों पर भरा पानी, आना जाना हुआ मुश्किल। उत्तराखंड के धारचूला में भूस्खलन, सड़क पर भरभराकर गिरा पहाड़, तवाघाट लिपुलेख नेशनल हाईवे बंद, 40 लोग फंसे। उत्तराखंड के कई शहरों में लगातार हो रही है मूसलाधार बारिश, हरिद्वार में जलजमाव का भारी समस्या। मध्य प्रदेश के गुना में 48 घंटे से हो रही है मूसलाधार बारिश, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग, स्टेट हाईवे पर तेज धार पानी में बह गया ट्रक, ड्राइवर और क्लीनर सुरक्षित। ऋषिकेश में रिसेप्शनिस्ट हत्याकांड में प्रशासन का एक्शन, आरोपी पुल के तारे के रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर। ऋषिकेश हत्याकांड के बाद राजस्व क्षेत्र का पटवारी सस्पेंड, गुस्साए लोगों ने रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की, आरोपियों को गिरफ्तार कर ले जा रही पुलिस वैन का भी शीशा तोड़ा। रिसेप्शनिस्ट मर्डर में मसूरी में लोगों का प्रदर्शन, आरोपियों को फांसी की सजा देने की कर रहे हैं मांग, बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों ने की नारेबाजी। ऋषिकेश हत्याकांड पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, बीजेपी नेता के बेटे का नाम आने के बाद हरीश रावत ने उठाए सवाल, कहा यह घटना पहाड़ की अस्मिता के लिए चुनौती है। यूपी के कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चोरी, सेना के इस्तेमाल वाले उपकरण चोरी होने से हड़कंप। श्रीनगर में ड्रोन के जरिए पुलिस कर रही है निगरानी, किसी भी तरह की आपराधिक और आतंकी गतिविधियों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। वीआईपी नंबर से लोगों को कॉल कर ठगी करने वाले जालसाज की गिरफ्तारी, महाराष्ट्र से गिरफ्तार आरोपी के पास से फोन, सिम कार्ड और बैंक पासबुक बरामद। दिल्ली में 5 करोड़ की हेरोइन के साथ अफ्रीकन ड्रग तस्कर गिरफ्तार, पुलिस से बचने के लिए कुल्हाड़ी से किया हमला, पुलिस ड्रग्स के सोर्स का पता लगा रही है। बिहार के समस्तीपुर में प्रेम प्रसंग में युवक की पीट पीट कर हत्या, कजन की पत्नी के साथ प्रेम संबंध के चलते पति पर लगा हत्या का आरोप। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी बुलडोजर की एंट्री, अपराधियों के मकानों पर चलने लगे बुलडोजर, खेती की भूमि पर अवैध निर्माण को किया जमींदोज। यूपी के गाजियाबाद में सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन में बम की सूचना से अफरा तफरी, बम के खबर की सूचना झूठी निकली, अफवाह फैलाने वाला युवक गिरफ्तार। चार पहिया वाहनों की पिछली सीट पर बेल्ट नहीं लगाने पर अब बजने लगेगा अलार्म, पहले सिर्फ कुछ ही गाड़ियों के फ्रंट सीट से बजते थे अलार्म, नए सरकारी नियम के मुताबिक अब सभी कार कंपनियों को दोनों सीटों पर देनी होगी अलार्म की सुविधा। भारत सरकार जल्द लाएगी कम्युनिकेशन बिल 2022, मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर कॉलिंग के लिए लग सकता है चार्ज, इसके अलावा स्काइप, जूम, टेलीग्राम और गूगल डुओ जैसी सर्विस ऐप को अब लाइसेंस लेना होगा। फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन सेल में स्मार्ट टीवी पर मिल रहा है बम्पर डिस्काउंट, सैमसंग, रियलमी और एमआई जैसे ब्रांड्स पर मिल रही है 70% तक की छूट। टेक्नो का नया 5G फोन टेक्नो पोवा नियो हुआ लॉन्च, 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप के साथ 6000 mAh की बैटरी से लैस है ये फोन, 15,500 है शुरुआती कीमत। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।